भारत पूरी दुनिया में सोलर हब बनना चाहता है। इसके लिए वर्ष 2015 में फ्रांस के साथ मिलकर भारत ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस का गठन किया, जिसका हेडक्वार्टर भारत में ही यानी कि गुरुग्राम में है। 2022 तक भारत 100 गीगावाट सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करना चाहता है। इसके लिए अलग अलग प्रोजेक्ट्स भी चला रहा है। और आज के इस दी करंट अफेयर शो में जो सबसे बड़ा टॉपिक है वो सोलर एनर्जी से ही संबंधित है। तो शुरू करते हैं आज का दी करंट अफेयर शो। जैसा कि मैंने बताया कि आज के दी करंट अफेयर शो में आज का जो हमारा सबसे पहला और सबसे बड़ा टॉपिक है वो सोलर एनर्जी से संबंधित है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 जुलाई 2020 को एशिया का सबसे बड़ा सौर परियोजना जो कि मध्य प्रदेश के रीवा में स्थित है, जिसकी क्षमता लगभग 750 मेगावाट है, इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। मस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान से इस टॉपिक को सुनिएगा, फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थित एशिया का सबसे बड़ा सौर परियोजना जिसका उद्घाटन 10 जुलाई 2020 को होने जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। इसकी क्षमता लगभग 750 मेगावाट का है। अगर इसका एग्जिट लोकेशन आप इसका देखोगे तो इसका एग्जिट लोकेशन है गुरु तहसील ऑफ रेवा डिस्ट्रिक्ट यानी कि मध्य प्रदेश में। और टोटल एरिया यानी कि कितने एरिया में इस पूरे प्रोजेक्ट को बनाया गया है तो ये भी याद रखिएगा, 1590 एकड़ में पूरा इस प्रोजेक्ट को तैयार किया गया है। और अगर हम बात करें कि ये जो 750 मेगावाट पावर जनरेट होगा, ये पावर कहां कहां डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो इसका 76% जो पावर होगा वो मध्य प्रदेश सरकार यूज़ करेगी। और इसके अलावा यहाँ पर जो 24% पावर होगा वो दिल्ली मेट्रो को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इसके अलावा कुछ यहाँ पर हम और जान लेते हैं, इसका इनॉग्रेशन कब किया जाएगा, तो 10 जुलाई को किया जाएगा। किन के द्वारा किया जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। ज्वाइंट वेंचर कंपनी यानी कि एक कंपनी की तरफ से इस पूरे प्रोजेक्ट को नहीं बनाया गया है, इसलिए ज्वाइंट वेंचर कंपनी का नाम याद रखिएगा। कौन कौन सी कंपनी है, द सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और इसके अलावा मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, इन दोनों कंपनी की तरफ से मिलकर बनाया गया है। और प्रोजेक्ट का जो टोटल बजट है, एस्टिमेटेड बजट आप इसको कह सकते हो, ये 4000 करोड़ रुपए का है। तो ये आज का हमारा पहला टॉपिक था और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था, बहुत ध्यान से आप इसको नोट कीजिएगा, परीक्षा में पूछे जाने की संभावना यहाँ से बहुत अधिक बनती है। इसके अलावा जो सेकंड हमारे पास टॉपिक है वो है, इसराइल ने हाल ही में एक सैटेलाइट लॉन्च किया है। इस सैटेलाइट को आप जासूसी सैटेलाइट कह सकते हो। क्यों लॉन्च किया है उस पर हम बात करते हैं। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि इस सैटेलाइट का नाम क्या है, तो इस सैटेलाइट का नाम रखा गया है ऑफेक 16। यह एक मिलिट्री इंटेलिजेंस यानी कि एक सैनिक जासूसी सैटेलाइट आप इसको कह सकते हो। नेम मैंने बता दिया। सैटेलाइट का टाइप आप लोग याद रखिएगा, यह एक इलेक्ट्रिकल ऑप्टिकल यानी कि सैनिक परीक्षण सैटेलाइट होगा, यानी कि आप इसे जासूसी सैटेलाइट कह सकते हो। एक्चुअल देखो, अगर आप दुनिया की राजनीति में देखोगे ना, तो इसराइल एक प्रमुख देश आता है, क्योंकि इसराइल के आसपास जितने भी कंट्रीज़ हैं सारे कंट्रीज़ उसके दुश्मन हैं। और परमाणु हमले से बचने के लिए या फिर जितने भी उस पर रॉकेट दागे जाते हैं उसका पूर्वानुमान करवाने के लिए, इन सब पर निगरानी रखने के लिए ही इसराइल ने इस सैटेलाइट को लॉन्च किया है। और पूरी दुनिया की नज़र इस सैटेलाइट पे है कि इस सैटेलाइट की मदद से इसराइल आगे क्या करने वाला है, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सैटेलाइट का नाम आप लोग याद रखिएगा, खासकर खाड़ी देश में जो इसराइल के पड़ोसी कंट्रीज हैं वो कंट्रीज खासकर बौखलाए हुए हैं इस सैटेलाइट को लेकर, तो इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ऑब्जेक्टिव जैसे मैंने बताया कि मॉनिटर न्यूक्लियर एक्टिविटीज अराउंड द वर्ल्ड, यानी कि पूरे वर्ल्ड में आप कह सकते हो जिस प्रकार से न्यूक्लियर एक्टिविटीज हो रहा है, अगर इसराइल पे न्यूक्लियर एक्टिविटीज आने वाले समय पे होता है तो उस पर इसराइल नजर रख सकेगा। अगर इसराइल पर किसी प्रकार से रॉकेट हमला किया जाने वाला है या किए जाने की संभावना है तो उस पर इसराइल नजर रख सकता है। तो इस सैटेलाइट के बारे में आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम्स के लिए। इसके बाद ये इसका रॉकेट है, कुछ खास नहीं, बस एक इमेज आप लोगों को दिखाने के लिए ताकि आप लोग समझ सकें। इसके बाद हम लोग यहाँ पर इसराइल के बारे में भी बात करेंगे। इसराइल का लोकेशन अगर आप देखोगे तो इसराइल आ जाता है आपका एशिया में, इसराइल आपका आता है साउथ वेस्ट एशिया में। और इसराइल एक ऐसा कंट्री है जो अफ्रीका और
एशिया को अलग करता है। ये इसराइल का मैप है। इसराइल के अगर आप साउथ में देखोगे तो साउथ और वेस्ट में यहाँ पर इजिप्ट आ जाता है, इजिप्ट आपका अफ्रीका में आ जाता है। इस तरफ अगर आप देखोगे ईस्ट साइड में आप चले जाओगे तो जॉर्डन यहाँ पर मिल जाएगा आपको। इस तरफ आ जाओगे अगर वेस्ट में तो यहाँ पर आपको मेडिटेरियन सी मिलेगा, और मेडिटेरियन सी के वेस्ट में पाया जाता है आपका इसराइल, छोटा सा कंट्री है। ऊपर में आप चले जाओगे नॉर्थ साइड में तो यहाँ आपको लेबनान मिल जाएगा, और यहाँ आप आ जाओगे ईस्ट और नॉर्थ में तो यहाँ आपको सीरिया मिल जाएगा। ये जितने भी कंट्रीज़ हैं ना, कोई भी इसके मित्र नहीं है, कोई भी इसके सहयोगी नहीं है, सब के सब यहाँ पर आपको इसके दुश्मन ही मिलेंगे। और इसराइल दुनिया में एक ऐसा एग्जांपल पेश किया है कि इस पर कभी कोई अटैक नहीं कर सकता। ये अपने आप को इतना सुरक्षित रखता है, अपने आप को इस तरह से इसने तैयार किया है कि इस पर अटैक करना इतना आसान नहीं होता। इसलिए इसराइल पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा एग्जांपल माना जाता है। यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट लोकेशन मैं आप लोगों को बताता हूँ, वो ध्यान में रखिएगा। डेड सी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये इसराइल के आपको इसको इसराइल के आपका ये आपके ईस्ट साइड में मिल जाएगा, तो डेड सी के बारे में याद रखिएगा। सी ऑफ गैलीली आपका यहाँ पर नॉर्थ और ईस्ट साइड में मिल जाएगा, इस लोकेशन के बारे में याद रखिएगा। तो टोटल आप यहाँ पर इसराइल का मैप आप लोग ध्यान में रखिएगा, एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं और आप लोगों को पता होना चाहिए। यहाँ पर इसराइल के बारे में थोड़ी सी और बेसिक जानकारी ले सकते हो, जैसे सेटेलाइट जो लॉन्च किया गया है वो कहाँ से लॉन्च किया गया, तो जेरूसलम क्या है, इसराइल की राजधानी है, वो याद रखिएगा। लॉन्च डेट कब, 6 जुलाई को। इसके बारे में, इसराइल के बारे में थोड़ा सा और बातें अगर आप याद रखना चाहो तो इसका राजधानी कहाँ है, जेरूसलम में है। करेंसी क्या है, इसराइली सेकियल इसका करेंसी माना जाता है। प्राइम मिनिस्टर कौन है, बेंजामिन नेतन्याहू, ये बहुत लंबे समय से प्रधानमंत्री है। बीच में वहाँ पर पॉलिटिकल बहुत क्राइसिस भी चल रहा था कि प्रधानमंत्री रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो इस तरह से आप लोग इसराइल के बारे में बहुत कुछ बातें याद रख सकते हो, और इसराइल परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण लोकेशन है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसराइल के बारे में आप लोग खासा नज़र रखिएगा और इसराइल के बारे में पढ़कर जरूर जाइएगा। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट का हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इंडियन रेलवे के जो मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, उन्होंने एक दावा किया है कि वर्ष 2030 तक इंडियन रेलवे पूरी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन जो करता है वो नहीं करेगा, यानी कि फ्री कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन करने वाला इंडियन रेलवे दुनिया का पहला रेलवे बन जाएगा। कब तक, 2030 तक। ये प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर कुछ आंकड़ों की भी हम बात करेंगे। देखिए 2014 में नीति आयोग ने एक डेटा जारी किया था। इस डेटा में नीति आयोग ने कहा था कि इंडियन रेलवे 2014 में 6.84 मिलियन टन्स कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन किया था, इतना ज़्यादा। अब यहाँ पर दावा किया जा रहा है क्या कि 2030 तक इंडियन रेलवे पूरी तरह से कार्बन मुक्त हो जाएगा, यानी कि बिल्कुल भी कार्बन का एमिशन नहीं करेगा, और ऐसा करने वाला दुनिया का इकलौता रेलवे होगा। तो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इस बात को आप यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। अभी देखिए कार्बन एमिशन की हम बात करें तो लॉकडाउन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन जो है वो काफ़ी घटा है। पूरी दुनिया में अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन की बात करो तो यहाँ पर भारत जो है वो तीसरे नंबर पर आ जाता है। भारत जो है 4.8% कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन करता है, पूरी दुनिया में जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन किया जाता है। सबसे अधिक 14% जो है वो यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन किया जाता है, उसके बाद चीन की तरफ से किया जाता है, उसके बाद भारत की तरफ से किया जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे पर्यावरण के लिए काफ़ी हानिकारक माना जाता है। और अगर यहाँ पर एक सवाल बार बार आ रहा है, एक वर्ड हम बार बार यूज़ कर रहे हैं कि आखिर कार्बन एमिशन होता क्या है और नेट जीरो कार्बन एमिशन क्या कहलाता है। तो नेट जीरो कार्बन एमिशन वो एमिशन कहलाता है कि जो हमारे एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड जितना प्रेजेंट है उसको अगर छोड़ दें, तो ह्यूमन एक्टिविटी से जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एनवायरनमेंट में है अगर वो खत्म हो जाता है तो वो कहलाता है नेट जीरो कार्बन एमिशन। ये मैं आपको सिंपल वर्ड में समझा रहा हूं। तो इस तरह से याद रखिएगा, इंडियन रेलवे ने दावा किया है कि वर्ष 2030 तक दुनिया का पहला भारतीय रेलवे होगा जो फ्री कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन करेगा, यानी कि बिल्कुल भी नहीं करेगा। ठीक, चलिए इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो जो हमारा अगला टॉपिक है, एनटीपीसी को एटीडी बेस्ट अवार्ड मिला है फिर से, और ये एटीडी का बेस्ट अवार्ड
चौथी बार लगातार एनटीपीसी को दिया गया है इसके गुणवत्ता के लिए, इसका उत्कृष्ट के प्रदर्शन के लिए। एटीडी की अगर हम बात करें तो एटीडी का मतलब है एसोसिएशन ऑफ टैलेंट डेवलपमेंट की तरफ से यह अवार्ड दिया गया है। यह टैलेंट डेवलपमेंट जो है कहाँ स्थित है, आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में स्थित है। तो प्रीलिम्स के लिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि एनटीपीसी को यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को यह अवार्ड चौथी बार मिला है। किसकी तरफ से, एटीडी की तरफ से, बेस्ट क्वालिटी के लिए, बहुत सारे यहाँ पर टैलेंट्स के लिए। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स के लिए यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर एनटीपीसी के बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो सबसे पहले एनटीपीसी का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड इसका फुल फॉर्म होता है। एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है जो कि भारत सरकार के अधीन आती है, यहाँ पर पावर जनरेट करती है। आप अगर छत्तीसगढ़ में रहते हो तो एनटीपीसी के बारे में बहुत अच्छी तरीके से आप जानते होंगे। इसको इस्टेब्लिश किया गया था यानी कि फाउंडेड किया गया था 1975 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और ऑनर यानी कि किसके अंडर में आता है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आता है। तो इतनी बातें आपको एनटीपीसी के बारे में याद रखना है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट का और लास्ट का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने यहाँ पर एक बड़ा डिसीजन लिया है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ये डिसीजन लिया है कि उसके जितने भी रोड हैं, उसने जितने भी हाईवेज बनाए हैं, चाहे स्टेट्स में बनाए हैं या फिर कहीं भी बनाए हैं, उस हाईवेज की स्टेट वाइज रैंकिंग की जाएगी ताकि उसके क्वालिटी और गुडनेस पे और मेंटेनेंस पे वहाँ पर जो है निगरानी रखा जा सके और राज्यों को मोटिवेट किया जा सके। यह रैंकिंग किस प्रकार से होगा, सबसे पहले हम ये थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले हाईवेज की जो सेफ्टी होगी, जैसे सपोज़ मान लो कि अगर किसी नेशनल हाईवेज का रैंकिंग निकाल रहा है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो इसने 100% स्कोर रखने की बात कही, तो इसमें हाईवेज की सेफ्टी जो होगी वो होगी आपकी 35%। इसके अलावा हाईवेज का एफिशिएंसी यानी कि अगर उसके क्षमता की बात करें तो वो उसमें 45% होगा। और इसके अलावा अदर यूज़र सर्विसेज जो होगा वो 20% होगा हाईवेज पर। तो इस प्रकार से उसकी रैंकिंग जारी की जाएगी ताकि हाईवेज का जो काम है और बेहतर तरीके से किया जा सके, रोड अथॉरिटी को और मोटिवेट किया जा सके। इस प्रकार से नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है एक प्रोजेक्ट चलाने जा रही है जो कि रैंकिंग का प्रोजेक्ट होगा और रैंकिंग प्रोवाइड करेगी अपने ही रोड्स को, अपने ही द्वारा बनाए गए हाईवेज को। तो इस बात को रखिएगा, एक अच्छी पहल और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे बन सकता है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन कब किया गया था या फिर किस प्रकार से किया गया था, तो ये बात आपको पता होना चाहिए। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को एक एक्ट के तहत में इसको जो है इस्टेब्लिश किया गया था, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1988 के तहत, ठीक है, 1988 के तहत। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, भारत सरकार के अंतर्गत में आता है, एक अलग से मंत्रालय है जो देश में रोड का रख रखाव, नेशनल हाईवेज का रख रखाव, उसके निर्माण का रख रखाव, एक राज्यों को दूसरे राज्यों से जोड़ने का काम, ये सारा नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से किया जाता है। तो ये आज के दी करेंट अफेयर्स शो में 5 महत्वपूर्ण टॉपिक्स थे। आपको दी करेंट अफेयर्स शो कैसा लगता है, अगर इस पर आपका कोई सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर सुझाएं। और जाने से पहले आप लोगों के लिए एक सवाल है, इस सवाल का जवाब आप लोग ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसराइल के बारे में हमने पढ़ा, आपको ये बताना है कि इसराइल की करेंसी कौन सी है। तो नीचे कमेंट करके कमेंट ज़रूर दीजिएगा, अपना सुझाव ज़रूर दीजिएगा। वीडियोस पसंद आने पे लाइक कीजिएगा, दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू वेरी मच।